देखेंगे तो देखिए ये आई ड्रॉप में कोई भी मटेरियल, किसी भी प्रकार का मटेरियल दिख रहा है क्या, किसी भी प्रकार का मटेरियल इसमें सॉलिड इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख रहे हैं बी वाई बी लिखा हुआ दिख रहा है क्या। तो ये अभी हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, सोल्यूशन है ना। अभी कंपनी एमपी का तो पता नहीं, देख लो उस तरह प्रमोशन नहीं है ये। यहाँ पर मैं एक चीज अभी आपको पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैंने एक तो ये लिखा हुआ दिख ही रहा है, फिर मैंने एक लिखा था स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, इसे क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंट, क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंट। फिर एक आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, और उसको कहेंगे एम अपॉन बीवी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना और सबको मैं कैमरे में दिखाऊंगा अभी, देखिए जरा यहाँ दिखा दे, ये देखिए ये क्या लिखा है 14% W by B लिखा हुआ आ रहा है, देखिए। तो इस परफ्यूम में कितना परसेंट, इसको हम ऐसे वेट करेंगे तो वेट में आगे सपोज दैट कि इसका वेट, अभी अगर हम वेट करेंगे कुछ ना कुछ वेट आएगा, उस वेट में कितने परसेंट इसमें अल्कोहल मिला है, मास बाय वॉल्यूम। इस जगह पे लिखा हुआ दिख रहा है B by B, दिख गया yes, तो इस तरह से ढेरों मटेरियल हैं जिनका हम यहाँ लाइव यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको फालतू बने में पढ़ रहे हैं, कभी धोखे से केमिस्ट की जॉब कहीं मिल गई, अच्छी जगह हर जगह जरूरत पड़ती है, हर फैक्ट्री के अंदर, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओ, फूड इंडस्ट्री में जाओ, मेडिकल इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जाए, आपको 100% इससे होकर गुजरना पड़ेगा, इन टॉपिक से होकर गुजरना ही गुजरना है, ठीक है। चलिए इतना, तो ये अभी हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, सोल्यूशन है ना। आप लोगों को मैंने एक तो ये लिखा हुआ दिख ही रहा है, फिर मैंने एक लिखा था स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी, इसे क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंट, क्या कहेंगे वॉल्यूम परसेंट। फिर एक आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, और उसको कहेंगे एम अपॉन बीवी, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना और सबको मैं कैमरे में दिखाऊंगा अभी, देखिए जरा, देखिए। तो इस परफ्यूम में कितना परसेंट, इसको हम ऐसे वेट करेंगे तो वेट में आगे सपोज दैट कि इसका वेट, अभी अगर हम वेट करेंगे कुछ ना कुछ वेट आएगा, उस वेट में कितने परसेंट इसमें अल्कोहल मिला है, मास वाई वॉल्यूम। अल्कोहल किसमें डाल रहे होंगे, ml में डाल रहे होंगे, और कोई चीज के अंदर जो सॉलिड मटेरियल हमने मिलाए होंगे वो किसमें होंगे, मास में, वेट में होंगे। तो से लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये ओवरऑल इट इज ओवरऑल 100 ग्राम का है, ग्राम में 100 ग्राम है, ml में 150 ml लिखा हुआ है इसके ऊपर, ml में 150 ml और ग्राम में 100 ग्राम है, तो m by b यानी कि 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम के अंदर इन्होंने जो अल्कोहल का कंटेंट यूज किया है 40.4% W by B, यानी 150 ml में 40.4 ग्राम कौन है, अल्कोहल है। ग्राम में हमने क्या डाला है, लिक्विड की चीजों को भी हम वेट करते हैं, कभी ऑयल खुला हुआ लेने जाएं, खुला ऑयल लेने जाएं, तो वो वेट करके देता है, ना कि लीटर में देता है, हमने लिया है इसलिए हम बता रहे हैं, गरीबों के खानदान के है ना, तो हम चले जाते थे, कभी कभी हमारी मम्मी कहती थी जाओ बेटे 2 लीटर तेल ले आओ या 2 किलो तेल ले आओ, तो गए तो हम जो खाली डब्बा लेके जाते थे, जो किराने स्टोर वाला भैया होता था वो पहले उस खाली डिब्बे को क्या करता था, टेयर करता था ना, हम लोग केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते हैं, टेयर फिलो करते हैं, पेपर वेट रखते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फिर वेट करने के लिए उसमें रखते हैं। तो ऐसे एक नहीं ढेरों चीजें हैं, कल मैं आपको कंटेंट और दिखाऊंगा, जैसे मॉर्टिन का पेपर, मॉर्टिन का क्वाइल, हमारे आई ड्रॉप, मेरे पास आई ड्रॉप भी है, आई शो यू, ठीक है, चलते रहते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये देखिए मेरे पास एक आई ड्रॉप है, और इस आई ड्रॉप में अगर कंसेंट्रेशन उस तरीके, क्योंकि कई बार सस्ते आई ड्रॉप बना देते हैं तो कंसेंट्रेशन नहीं होती, लेकिन शानदार बात है, अगर आप कैमरे में देखिए ये आई ड्रॉप में कोई भी मटेरियल, किसी भी प्रकार का मटेरियल दिख रहा है क्या,
किसी भी प्रकार का मटेरियल इसमें सॉलिड इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख रहे हैं बी वाई बी लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कैमरे में? दिख रहा है बी वाई बी दिख रहा है क्या? है इस जगह पे लिखा हुआ दिख रहा है बी वाई बी, दिख गया? तो इस तरह से ढेरों मटेरियल हैं जिनका हम यहां लाइव यूज करते हैं।